अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। फिज़िक्स की ऑनलाइन लेक्चर में मैं सैयद इरफ़ान हैदर आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। कल हमने जो आर्टिकल पढ़ा था फिज़िक्स का, वो था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो प्रीवियस लेक्चर है वो क्लियरली समझ आ गया होगा। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है और लेक्चर नंबर 2 जो हमारा है वो रिलेट करता है आपके पास एंगुलर वेलोसिटी। क्वेश्चन ये है कि एंगुलर वेलोसिटी होती क्या है। आप लोगों को सबसे पहले मैं बताता चलूँ, जिस तरह कि आप लीनियर वेलोसिटी की बात करते थे, हम कहते थे कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। मतलब डिस्प्लेसमेंट को टाइम पर डिवाइड करने से वेलोसिटी हासिल होती है। तो अब बात हो रही है एंगुलर वेलोसिटी की। इस चीज़ का मतलब जब मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को टाइम पर डिवाइड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी मिल जाएगी। तो हम क्या कहेंगे, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। अब हमें पता है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर क्वांटिटी और जो वेलोसिटी थी वो भी वेक्टर थी, तो सेम एंगुलर वेलोसिटी भी क्या क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। इसका फार्मूला क्या होता है? अब फार्मूला हमने कल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, उसको चेंज इन डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा थीटा से रिप्लाई करते थे और टाइम टी। तो अगर मैं टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट को चेंज इन टोटल टाइम पर डिवाइड करता हूँ तो मुझे क्या मिलती है, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला होता है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, मतलब चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर चेंज इन टाइम। अगर हम बात करें इंस्टेंटेनियस वैल्यू की, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी की बात करें, तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी के लिए आप लोगों ने याद रखना है हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम की लिमिटिंग वैल्यू है। ये लिमिटिंग वैल्यू लेनी किसने, सच दैट द फॉलोइंग टाइम इंटरवल डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। हमने टाइम इंटरवल डेल्टा टी इतना स्मॉल लिया है कि ये अप्रोच कर रहा है जीरो को, तो देन हमारे पास जो एंगुलर वेलोसिटी आएगी हम उसको क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलेंगे। मतलब ये बहुत ज़्यादा छोटा इंटरवल है, बहुत स्मॉल इंटरवल लेना है जो अप्रोच कर रहा है जीरो को। अब जीरो को अप्रोच करने का मतलब ये नहीं है कि वो एक्जैक्टली इक्वल टू जीरो है, इस चीज़ का मतलब है कि वो जीरो के बहुत ज़्यादा क्लोज है, इतना स्मॉल इंटरवल है। तो हम क्या कहते हैं, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी सच दैट द फॉलोइंग टाइम इंटरवल डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, देन द वेलोसिटी इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। अगर हम इस एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन देखना चाहें विद टाइम पीरियड फॉर ए कंप्लीट रेवोल्यूशन, तो हमने कल पढ़ा था फॉर कंप्लीट रेवोल्यूशन जो डेल्टा थीटा होता है ये इक्वल होता है 2π रेडियन के, कितना इक्वल होता है ये 2π के। और एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए जो टाइम रिक्वायर होता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं, कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं कह सकता हूँ मेरे पास डेल्टा थीटा 2π है और टी इज इक्वल टू टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड, मतलब एक रेवोल्यूशन के लिए दरकार वक्त टाइम पीरियड होता है। तो इसको मैं क्या कहूँगा, 2π/T। तो आपके पास जो एंगुलर वेलोसिटी का एक फार्मूला इन टर्म्स ऑफ रेवोल्यूशन एंड टाइम पीरियड क्या आएगा, 2π/T। अब इस फॉर्मूले की मदद से मैं इसके यूनिट्स अगर बताना चाहूँ तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो इसके यूनिट्स बन रहे हैं या इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसके यूनिट्स बन रहे हैं, ऊपर हमने कल पढ़ा था जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तीन यूनिट्स हमने इसके पढ़े थे। हमने कहा था इसका यूनिट रेडियंस हो सकता है, रेवोल्यूशन हो सकता है या डिग्रीज हो सकता है, रेडियंस रेवोल्यूशन एंड डिग्रीज टाइम का यूनिट होता है सेकंड। तो मैं इसके यूनिट्स को फिर क्या कहूँगा, मैं कहूँगा इसका यूनिट या तो डिग्री पर सेकंड है या फिर रेडियन पर सेकंड है या रेवोल्यूशन पर मिनट। आरपीएम का यूनिट एक यूजली इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि एक मोटर हमने बनाई है तो उस मोटर में या जनरेटर के अंदर या टर्बाइन मूव कर रही है तो कितने रेवोल्यूशन पर मिनट, उसमें आरपीएम्स कितने हैं। तो आरपीएम का इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर या इंजीनियरिंग लेवल के ऊपर इसका हम यूज़ करते हैं। और रेडियन पर सेकेंड कॉमनली यूज है और ऐसा यूनिट है, और डिग्री पर सेकेंड भी इसका क्या होता है, एक यूनिट होता है। अगर हम बात करें डायमेंशन की, इंपॉर्टेंट चीज़ है एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन। अब चूंकि हमने कहा था डिग्रीज रेडियन या रेवोल्यूशन ये यूनिट लेस डायमेंशन लेस होती है, टाइम का यूनिट सेकंड होता है, तो इसकी जो डायमेंशंस बनती हैं जो यूनिट बनता है वो पर रेडियन पर सेकंड है। और रेडियन पर सेकंड, रेडियन की डायमेंशन है नहीं, सेकंड की डायमेंशन क्या होगी, टी होगी, और पर सेकंड है तो t-1, तो इसकी डायमेंशन होगी t-1। और यहाँ से मुझे देखने में लग रहा है फ्रीक्वेंसी 1/T होती है, जो फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन और जो एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन है दोनों डायमेंशन क्या होती है, सेम होती है। अगर हम क्लॉक की बात करें और क्लॉक में क्लॉक हैंड्स हैं,
उसमें मिनट हैंड है, आर हैंड है, एंड सेकंड हैंड है, तीन हैंड्स है, आर मिनट एंड सेकंड। अगर हम उनकी एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहें तो हमने अभी पीछे फार्मूला, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, हमने फार्मूला पढ़ा 2π/T, हमने इस फार्मूले को यूज़ करना है। 2π का मतलब एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए एंगल कवर है 2π, और हमें सब के लिए ये 2π रहेगा। सिर्फ चेंज किसने होना है, इन सब में हमेशा टी ने चेंज होना है। मतलब जब भी आपसे किसी चीज़ की एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करने को कहा जाए तो आपने कहना है कि कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए एंगल तो 2π रहना है, जस्ट टाइम चेंज होगा तो हमने उस टाइम के लिहाज से कहना है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल आर एंड की बात करते हैं। आर एंड को 12 घंटे लगते हैं, एक घड़ी की घंटे वाली सुई को 12 घंटे लगते हैं चक्कर मुकम्मल करने के लिए, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी क्या आ गई 2π/12 रेडियन पर आर, और 2 और 12 को कैंसिल आउट करें तो बनता है 5/6 रेडियन पर आर। ये आपने याद रखना है। अगर हम बात करें मिनट हैंड की, तो एक मिनट वाली जो सुई को 60 मिनट लगते हैं कंप्लीट चक्कर काटने के लिए, तो उसका बनेगा 2π/60 और रेडियन पर मिनट दैट इज इक्वल टू 5/30 रेडियन पर मिनट। और अगर हम सेकंड हैंड की बात करें तो उसकी होती है 2π और एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए 60 सेकंड लगते हैं, तो 2π/60 रेडियन पर सेकंड दैट इज इक्वल टू 5/30 रेडियन पर सेकंड। अब आप लोगों को मैं एक टास्क असाइन कर रहा हूँ, आप लोगों का टास्क ये है कि आपने इन तीनों वेलोसिटीज को रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। लास्ट वन तो हमारे पास ऑलरेडी है कि वो रेडियन पर सेकंड में है, लेकिन आर एंड और मिनट हैंड वाली को आपने क्या करना है, रेडियन पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये एंट्री टेस्ट लेवल पे इस तरह के एमसीक्यूज आपको जो प्रैक्टिस टेस्ट लिए जाते हैं उनमें पूछे जाते हैं, तो आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि ये रेडियन पर सेकंड के अंदर इनके यूनिट्स क्या आएंगे। एक एमसीक्यू है, अ बॉडी इज रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इट्स एंगुलर वेलोसिटी इज, ऑप्शन देख लेते हैं, परपेंडिकुलर टू वी, परपेंडिकुलर टू आर, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ऑल ऑफ दीज। तो अगर इसके लिए हम यूज़ करते हैं एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन की डिटर्मिनेशन के लिए राइट हैंड रूल। हमने क्या करना था, एक्सिस ऑफ रोटेशन को हमने क्या करना था, राइट हैंड में उसको पकड़ना है, और आपने फिंगर्स को कर्ल करना है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ग्रैस्प कर लिया एक्सिस ऑफ रोटेशन को राइट हैंड में, फिंगर्स को कर्ल कर दिया इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन या मोशन, और इरेक्टेड थंब आपको क्या बताता था, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन बताता था। मतलब एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है, मतलब एंगुलर वेलोसिटी इज इन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे हमें पता है कि उसकी डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन आर के इरेक्टेड थंब मुझे ये फिगर में बता रहा है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन था आपके पास, तो ये इरेक्टेड थंब बता रहा है कि इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन या अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। और मुझे ये भी पता है जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है। अब प्लेन में मेरे पास दो चीज़ें आ रही हैं, प्लेन में वेलोसिटी आ रही है और आर आ रहा है, रेडियस आ रहा है और वेलोसिटी टेंजेंशियल वेलोसिटी आ रही है। इस चीज़ का मतलब और इस प्लेन के परपेंडिकुलर सिर्फ एक्सिस ऑफ रोटेशन भी है, तो इस चीज़ का मतलब इसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू वी भी है, परपेंडिकुलर टू आर भी है और अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन है, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन इन दोनों के परपेंडिकुलर होते हैं। तो इस चीज़ का मतलब इसका बेस्ट ऑप्शन बनेगा ऑल ऑफ दिस। एक और एमसीक्यू देख लेते हैं, द डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटीज आर सेम एज दैट ऑफ, एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन सेम है जैसा कि किसकी डायमेंशन, ऑप्शन है वेलोसिटी स्पीड फ्रीक्वेंसी ऑल ऑफ दिस। तो वेलोसिटी की डायमेंशन होती है LT-1, स्पीड की भी LT-1, फ्रीक्वेंसी 1/T होता है, तो T-1 ऑल ऑफ दिस, तो इसका बेस्ट ऑप्शन बनता है जो डायमेंशन किसकी हैं, फ्रीक्वेंसी की। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर आउट हो गई होंगी। मैं हर मुमकिन कोशिश की है कि आपको आसान वे में और इजी वे में सारी चीज़ें क्लियर कर दीजिए, लेकिन अगर फिर भी आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनता है तो आप अपने पोर्टल के थ्रू हमसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और एक चीज़ जो कल भी मैंने लेक्चर में कही थी, आपने इन सारे लेक्चर्स को आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट्स बनानी है, जब आपकी फिजिकल क्लासेस लॉकडाउन के बाद कॉलेज में शुरू होगी तो आपकी असाइनमेंट्स ग्रेडिंग के लिए चेक भी की जाएगी। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि जितनी मैक्सिमम लर्निंग कर सकते हैं लेक्चर्स को लेते हुए लर्निंग करें। अल्लाह हाफिज़।